अरे क्या हुआ भैया, आपने यहाँ पे क्यों रोक दी? बस मैडम यही तक छोड़ सकता हूँ। भैया मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे घर तक ड्रॉप करना होगा। अरे आपने बोला था ना विद्या कॉलोनी, तो यही तो है विद्या कॉलोनी। अरे भैया मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। आप एक काम कीजिए, ये आपके 200 रुपए और 50 रुपए और एक। अरे क्या भिखारी समझाए क्या? रखिए 50 अपने पास और उतरिए, मेरा भी टाइम हो गया, अभी निकलना है मुझे। क्यों शर्म नहीं आती देर रात गए एक लड़की का पीछा करते हुए? माँ बाप ने यही सिखाया क्या तुम्हारे? और अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या ऐसे ही करते तुम? आपके जगह अगर मेरी बहन होती तो मैं ऐसा ही करता, क्योंकि अगर वो देर रात सुनसान रास्ते से अकेली गुजर रही है तो जब तक वो घर पर नहीं पहुंच जाती तब तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी ही रहती। और वैसे आपका डरना भी जायज था, क्योंकि जिस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया था, उस देश में आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सारे लोगों की मेंटेलिटी एक जैसी हो। और हाँ, हर बार इंसान गलत नहीं होता, कभी कभी इंसान की सोच भी गलत हो सकती है।